हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इतनी शॉकिंग न्यूज़ है कि मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी। भैया ये जो पाकिस्तान टीम जो आई है, उनको अब तकलीफ ये हो रही है कि भाई हमको खाने, हमें बीफ चाहिए। मतलब बीफ हम खाने के लिए उनको वो उसकी मांग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से डिसाइड किया गया है कि कहीं पे भी, मतलब टीमों में जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी टीम को बीफ बूफ नहीं हम देंगे। नॉर्मल दूसरा खाना जो है वो सब खा सकते हैं, पर बीफ नहीं है। और ये खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, सब टीमों के लिए सेम रूल है। तो ऐसे लग रहा है कि इनकी टीम में से, अब किसने बोला है ये पता करते हैं कि इनको इंडिया आके बीफ खाने, इनको वापस चले जाओ, इतना ही बीफ का शौक हो रहा है तो पीछे जो हमारा कल्चर उसके हिसाब से होगा, जिस देश में आए उसके हिसाब से करोगे, बीफ नहीं होगी। और देखो तो सही, और मेन्यू में आप हिंसा नहीं करना चाहते, उसके लिए आप बोल रहे हैं बीफ नहीं होगी। मुझे पता नहीं और कोई नॉन वेज है कि नहीं है, अगर पूरा वेज हो तो भी चलता है। नहीं, और खाने तुमको उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें अगर बोलते हैं कि पूरा वेज कर रहे हैं, ब्यूटीफुल करिए, पूरा वेज करिए। नहीं, और मैं ये कह रही हूँ, तुम्हारे वहाँ पे पाकिस्तान में खाने की कमी है, आटा मिल नहीं रहा, और यहाँ आके ये शुक्र मनाओ तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम ऊपर से ये कर रहे हो। तुम्हें हमने इतना अच्छा वेलकम दिया, मतलब ये तो हुआ कि वेलकम दिया तो तुम सिर पे ही चढ़ गए। देखिए, जहाँ पे जिस कल्चर में जो नहीं खाते, नहीं बोलने का मतलब ही क्या मांग। अगर मान लीजिए पाकिस्तान में जाके कोई बोले मेरे को खाना है जो वो नहीं खाते, तो वो दे देंगे, उसको नहीं देंगे ना। नहीं। तो जो तुम्हारे में इतने मैनर्स ही नहीं है कि तुम इस ऐसे कंट्री में आके इस तरह से बोलो। किसी के मेहमान हो तुम, मैं सोच सकते हो कि मेहमान आया जिस जगह तुम आए, जिसके घर आए, उसने आपकी मेहमान नवाजी की, आपको खातिरदारी की, आपका वेलकम किया। अब उसको वो बोलो, जब वो खाना देता है, भैया मेरे को ये नहीं, मुझे तो वो बना के दो जो तुम्हारे धर्म में जो है गलत माना जाता है, जिसकी तुम पूजा करते हो। है दिमाग से किसे गंदे लोग हैं। चलो पहले वीडियो देखते हैं। एग्जैक्टली मुझे पूरी डिटेल तो पता नहीं, मेरे को टाइटल से ये लग रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि भारत में जितनी भी टीमें आई है, मतलब 10 की 10 टीम आई है, किसी को भी बीफ नहीं परोसा जाएगा। बीफ नहीं, बाकी तो है, चिकन विकन तो है। कोई भी टीम हो, किसी भी टीम को बीफ नहीं परोसा जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट के पाकिस्तानियों ने अब रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को बीफ नहीं मिल रहा, वो देखो घर बुला लिया वर्ल्ड कप के लिए। अब बाहर तो तुम लोग कुछ समझा करो यार, तुम लोगों में मोरल एथिक्स नाम की तो चीज ही नहीं है। और अगर आपको गोश्त नहीं है, देखिए रिस्पेक्ट करें रिलीजन की, दूसरे के मजहब की इज्जत नहीं करेंगे, मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे, जबान की इज्जत नहीं करेंगे, वो आपकी नहीं करेगा। तो दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखे यार, गोश्त नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। वो वेजिटेरियंस है, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपके लिए हलाल फूड हैदराबाद में प्रोवाइड की जा रही है, और आपकी टीम के नखरे उठाए जा रहे हैं अब ये बीफ को लेकर। ओ यार, ये पागल लोग हैं, यही पागल, ये पागल लोग हैं, और इनको अपना इलाज करवाना चाहिए। आप जब इंडिया में जा रहे हो तो उनसे आप बीफ क्यों मांग रहे हो? अगले के रिलीजन की एहतराम करना नहीं आता? नहीं आता। एहतराम करिया करो, कंजर के बच्चे एहतराम करो। आप किसी हमारे मुल्क को आए, हम उन्हें आराम का कॉपिंग में खिलाएंगे, उन्हें बनाएंगे हम डिश में और को देंगे लोग। और यार इस तरह की हरकतें ना करें, ये इलिटरेट जाहिल पागलों वाले काम ना करा करें। बोला किसने? आपकी टीम को इतनी मोहब्बत मिली है, आप रंग में भंग डाल रहे हैं। बाबर ने बोला, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया वाले आपको तो बीफ खिलाएंगे? और खिलाएंगे क्यों यार, उनके आपकी नजर में उनके रिलीजन की अगर इज्जत नहीं है, लेकिन उनके नजदीक उनके रिलीजन की इज्जत है। आगा बीफ गया नहीं मिला, इन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान टीम को उधर खाने नहीं मिल रहे, पाकिस्तान टीम को इंडिया में जो है वो खाना सही तरह नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा, डंडा नहीं दिया जा रहा, सब कुछ मिल रहा है। कम अज कम यार किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट कर लो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जगह अशरफ अपनी असली औकात दिखा देने के बाद अब पाकिस्तानी टीम भी अपनी असली औकात पर आ गया है। जिस तरीके से आज पाकिस्तानी टीम ने ये डिमांड किया कि हमको बीप चाहिए, और बीप क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये गाय का मांस होता है, गोश्त होता है, तो ये खाने के लिए ये लोग डिमांड किए। लेकिन बीसीसीआई ने पहले से ये कह दिया कि हमारे जो फूड मेनू है उसमें बीफ एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो बीफ हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एक मतलब खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं है, और आज मतलब हिंदू कंट्री जो मतलब हिंदू सेंटीमेंटल को लेकर हम यहाँ पर बीफ इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे पाकिस्तानी जो गवार क्रिकेटर यहाँ पे आए हैं, ये हमको तो बोले कि बीफ चाहिए, हमें बीफ खाना है, हमें और बीफ डिमांड कर रहे हैं, और बीफ नहीं मिलने पर ये रो रहे हैं। तो मतलब यहाँ के इंडियन सेंटीमेंट आप क्या नहीं जानते?
ये दो कड़ी के क्रिकेटर इन लोगों को लात मारकर भगा देना चाहिए भारत से। इस तरीके का दूसरा दोबारा बात करें तो इस वजन पाकिस्तान में बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि जी पाकिस्तान की टीम को जो है वो बीफ नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। पाकिस्तान टीम ने जो है वो बीफ की डिमांड की, बोला कि हमें बीफ दो, लेकिन बगैरत के बच्चों बात को अंडरस्टैंड किया करो। बात को अंडरस्टैंड कब करोगे आप लोग? और हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारे पाकिस्तानी जो है वो ये न्यूज वाले, इन्होंने उस बात को नेगेटिव लेके इतना बुरा जो है वो प्रेजेंट किया पाकिस्तानी अवाम के आगे। सत्यानाश है इन लोगों का, इन लोगों की वजह से आगे बेड़ा गर्क हो गए हैं। आप इंडिया के, इंडिया ने आपका वेलकम किया, इतना जबरदस्त उन्होंने वेलकम किया, आपको खाने में हर एक चीज दी गई है, आपको खाने में दी गई है, आपको बिरयानी, आपको चम्पे, आपको मीठे में, आपको नमकीन में, हर एक चीज दी गई है। और उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो, उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो। कम अज कम गलत के बच्चों इस बात का आप क्यों नहीं अंदाजा लगा रहे? तेरी बात सुनो, इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान में आती है, तो उनको शराबे देते हो? नहीं, उनको वाइन शराबे पीने के लिए देते हो? पोर्क देते हो, इतना पोर्क खाते हैं, शराब हराम है, शराब पीनी हराम है, वो लोग इतना पोर्क खाते हैं। आप जब इंडिया में जा रहे हो, यूएसए में बहुत पोर्क, उनसे आप बीफ क्यों मांग रहे हो? अगले के रिलीजन की एहतराम करना नहीं आता? शर्म ही नहीं है, एहतराम करिया करो, कंजर के बच्चे एहतराम करो, शेमलेस एहतराम करो। हमारे अगर इस्लाम में शराब हराम दी गई है ना, तो उनके रिलीजन में वो चीज नहीं, उनके उनके रिलीजन में वो चीज नहीं वो खाते, वो मना है उनको, तो रिस्पेक्ट करो ना भाई। एक बात भी है, ये मुसलमानों को आपने जमाना हो ना, या आपने जो स्पेशली मुसलमान को नहीं, स्पेशली अगर आपने पाकिस्तान लोगों को, ये पाकिस्तानियों को जमाना हो, इनको इज्जत देखो, इनको इज्जत दे के देखो, ये देखना फिर क्या करते हैं, सर पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये लोग चढ़ गए सर पे, इनमें शर्म नहीं है। ये एक आप इंडिया में गए हो, एयरपोर्ट से लेके आपको इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया, होटल के अंदर गए हो, आपको हर तरह का खाना दिया गया। पाकिस्तान में कितने खाने मिलते हैं आप लोगों को, इस बात का आंसर दो मुझे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कितने खाने मिलते हैं पाकिस्तान में आप लोगों को? ऐसे ही है लोग, आपको चिकन में किसने मांगा, आपको चिकन की सारी चीजें प्रोवाइड की गई, मीठे में एवरीथिंग आपको दिया गया, नमकीन में एवरीथिंग दिया गया, बीफ उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके उनके रिलीजन में वो चीज नहीं वो खाते, वो मना है उनको। जब ऑस्ट्रेलिया आता है दिया करो, दिया करो उनको शराबे, इंग्लैंड आता है ना तो मेरा बेटा उनको शराबे दिया करो, पोर्क। आज आप मुस्लिम, मुझे पता है हमारे इस्लाम में शराब हराम है, हम और ऑस्ट्रेलियन इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान टीम इंडिया गई है, उन्होंने जाकर बीफ की डिमांड की है, हमें बीफ चाहिए, इनको नहीं था पता कि उनके रिलीजन में ये चीज माने पता होता। अफगानिस्तान टीम गई है पाकिस्तान, उनके उनके किसी बंदे ने मांगी है उनसे ये चीजें, अगलों को पता है, अगलों को पता है कि नहीं मांगनी, लेकिन हमारे इतने को चूतिए हैं। और बात पता है सर में, असल में सबसे जो बुरी बात है वो पता क्या है, सबसे बुरी बात यह है कि हमारा मीडिया बात को इतना गंदा करके दिखाता है, इतना गंदा करके दिखाता है। देखो, मांगा बीत गया, नहीं मिला, इन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान टीम को उधर खाने नहीं मिल रहे, पाकिस्तान टीम को इंडिया में खाना सही तरह नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा, गंदा नहीं दिया जा रहा, सब कुछ मिल रहा है पाकिस्तानी टीम को। देख लो किस टाइप की मेंटालिटी है, कितने घटिया लोग हैं। सिमिलर टीम है ये, टीम जिस जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनका अच्छी भली नॉर्मल इंसानों से बेटर दिमाग होना चाहिए, मोर एक्सपोजर होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके खेलते हैं, अलग अलग टीमों से मिलते हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में जैसे उनकी आवाम में बैठी रहती है, उन्हें तो बाहर का कुछ पता नहीं, ये लोग बाहर जाते हैं, गेमें खेलते हैं, बाकी टीमों से मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, सब करते हैं। और देखो इनकी घटिया सोच कि इंडिया में अच्छा वेलकम मिला, उसके बाद ये बोलते हैं जी खाना जब आया है कि भैया हमें बीफ चाहिए और मना किया बीफ नहीं चाहिए, तो उसका बात का बतंगड़ बना रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बोल उसको मतलब करके कि चलो नहीं दे रहे कोई बात नहीं, बाकी इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इनको देना ही नहीं चाहिए खाना, इन्हें कहो अपना वहां से पाकिस्तान से खाना लेके आओ, साथ में टीम को थोड़ा एटिकेट होनी चाहिए, जिस जहां अनपढ़ गवार जाहिल जाहिल उनको देखना चाहिए एटिकेट के हिसाब से, उनको खुद का सोचना, मान लो तुम्हारे देश में कोई आता है पोर्क मांगता है, तुम दोगे नहीं दोगे ना, आप जाके जो भी जाए फ्री में वो बोले हमें पोर्क चाहिए, हमें जो जो उनके रिलीजन में जिस कंट्री में जा रहे हो उसके हिसाब से रहो, उसके हिसाब से ये बोलना कि हमें ये नहीं मिल रहा, इट इज नॉट, इन्हें कहो वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, उसी टाइम निकाल देना। अच्छा रिस्पांस आ गया, इट्स वेरी नाइस। नहीं पर मैं ये कह रही हूँ, अगर आप सोचो आपके मेहमान, आपने किसी मेहमान को बुलाया है और वो इस तरह से आपके साथ बदतमीजी कर, क्या करोगे, उसको घर से निकाल दोगे ना, तो इनको घर से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, एनर्जी लगाई इनको हराने में, दैट्स ऑल इट इज, ऐसा बुरा हराओ, ऐसा बुरा हराओ, रोते हुए जाए, मैं सच्ची में इनके आते ही मैं दुखी थी,
जब उनको वेलकम मिल रहा था तो अजीब सी बात कर दी उन्होंने, अजीब सी बात कर दी वैसे, अनपढ़ गवार, टोटली इलिटरेट, इन लोगों को पता नहीं था, जो इलिटरेट का क्लासिक एग्जांपल है ये लोग, कभी भी ये मतलब ना शुक्रे और मेहमान नवाजी क्या होती है और उसको कैसे एक्सेप्ट करके उसको थैंक यू बोलना, कुछ नहीं आता। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।